इस बीच देखिए प्रांशु दत्त द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष है भाजुमो से, वो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रांशु जी देखिए काफी सवाल उठ रहे हैं इस हत्याकांड के बाद, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या अगर जिक्र हम लोग करें, अतीक अश्रफ की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उसके बाद आज गैंगस्टर की हत्या हो जाती है वो भी पुलिस सुरक्षा में, इतना सुरक्षा घेरा देने के बावजूद भी आखिरकार कैसे हिम्मत हो जा रही है बदमाशों की कि दिन दहाड़े पुलिस की सुरक्षा में ही गोली मारकर चले जा रहे हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है सर प्रदेश में? देखिए जो घटना हुई है उस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनको कानून के हिसाब से उनको सजा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर करेगी जी। लेकिन सर कब ये इंतजार क्यों होता है, क्या इससे पहले का घटनाक्रम हमने नहीं देखा जब पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक अश्रफ, हालांकि देखिए अपराधी वो थे, ये भी वो गैंगस्टर था, लेकिन क्या इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जब दी जाती है और उसी बीच में बदमाश आके गोली मारकर फरार हो जाते, अपना काम करके चले जाते और पुलिस देखते रह जाती है, आज का घटनाक्रम भी ऐसा हुआ। वकीलों का यह कहना है कि जब बदमाश आया गोली मारा था, पुलिस अपनी जान बचा के भाग रही थी, वकीलों ने बदमाश को पकड़ा है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, इस प्रकरण में भी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करी जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार कैसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है सब लोग जानते हैं। अभी दो दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा हुई है, ये मुख्तार अंसारी पर किसी भी अन्य सरकार में अगर पैरवी होती तो कब की सजा हो गई होती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदना दिखाई और आज उसको जो है सजा मिली। चाहे ये मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, प्रदेश की सरकार किसी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। सर ये इन सब कार्रवाई के बाद भी तो बदमाशों में डर तो देखने को मिल ही नहीं रहा है ना, देखिए ना दिन दहाड़े कहां पर आखिरकार जनता सुरक्षित है, अस्पताल में ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है, आज कोर्ट परिसर में जहां पर पुलिस कर्मी अब पूरे दिन रात मौजूद रहते हैं, बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, वहां पर ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, तो सर क्यों आखिरकार एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा है? मैंने अभी आपको बोला कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी और अपराधियों में खौफ है या नहीं है ये उत्तर प्रदेश के किसी भी आम आदमी से आप पूछ लें आके, वो बता देगा इस सरकार में अपराधियों में खौफ है या नहीं और पुलिस से अपराधी घबराते हैं या नहीं घबराते हैं सब लोग जानते हैं। सर ये ऐसा खौफ कि दिन दहाड़े कोर्ट में मौजूद रहकर पुलिस कर्मियों के बीच में आकर गोली मारकर फरार हो जाए, ऐसा खौफ? मैंने बोला कि ये जो घटना हुई है इस संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित तौर पर इसकी तह तक जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेगी। अब तो विपक्ष भी आप पर सवाल उठा रहा है, मायावती ने भी सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जीरो है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि शुरुआती दौर से वो कहते आए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जीरो है और आज वो एग्जाम्पल वो मिल गया है उनको कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी जैसे तस बनी हुई है, जो दावे किए जा रहे थे वो सारे फेल हैं। देखिए अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं किस लिए कह रहे हैं इसको आपको समझना पड़ेगा, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार किस दल से जुड़ा हुआ है, किस गठबंधन से चुनाव उनका बेटा लड़ा ये आप जानते हैं, ये संजीव जीवा और विजय सिंह जो बृंदा जी की हत्या में दोषी थे उसमें विजय सिंह का परिवार भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये सब लोग जानते हैं, तो कम से कम अखिलेश यादव की सरकार में कितनी हजारों हत्याएं हुई हैं, प्रदेश में क्या दुर्दांत अपराधियों के हौसले थे सब लोग जानते हैं, कम से कम अखिलेश यादव को इस विषय में बोलने को अधिकार नहीं है। मुख्तार गैंग से संबंध रखता था, दूसरे गैंग से भी ये संबंध रखता था, उसके बावजूद देखिए आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, कई बार अपनी ये कह चुका है कि इसकी जान को खतरा है लेकिन बावजूद उसके ऐसे सुरक्षा घेरे में इसे लाया गया जहां पर दिन दहाड़े से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। नहीं मैंने कहा कि जहां भी सुरक्षा में चूक हुई है सरकार संज्ञान में लेगी और उसमें जो भी दोषी होगा, कोई पुलिस वाला दोषी होगी उसके लापरवाही होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और जहां तक आप भी कह रही हैं कि आप ये इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अपराधियों से साठगांठ करने का भी काम ये लोग करते थे और ऐसे अपराधी दर्जनों मुकदमे और किसी में सजा ना हो पाना, सामान्य लोग तो ऐसे लोगों से लड़ ही नहीं पाते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि पुलिस जो है वो अगर उसका लैप्स है तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है इसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्तियां भी हैं जो ऐसे अपराधियों को दंड देने में कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। जी सर, बड़े भाजपा नेता के हत्या में ये आरोपी था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए स्वर्गीय बृंदा द्विवेदी की हत्या 9-10 फरवरी की मध्य रात्रि 1997 में की गई थी, उस घटना में
संजीव जीवा और विजय सिंह दो शूटर थे, उनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सीबीआई की चार्जशीट जब लगी थी उसमें इन दोनों को सजा हुई थी, तो उसमें भी ये दोषी थे। और ऐसे सभी अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा ने किया है और आज ये घटना हुई है। तो जो अखिलेश यादव ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हैं जी। चलिए बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए प्रांशुदा द्विवेदी जी। तो आपने सुना प्रांशुदा द्विवेदी को, जिनका यह कहना है कि इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उस पर होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।